हाँ जी बच्चों, तो मेरे को लगता है अब 7 भी हो जाएगा आपसे, 8 भी हो जाएगा। अच्छा, 8 में एक बात पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2018 को स्टार लिमिटेड ने 5 मशीन खरीदी है। पहले अंडरलाइन करो सारे बच्चे, कर ली। 5 मशीन ऑफ 60,000 ईच, तो हर एक मशीन 60,000 की है, तो 5 मशीन कितने की हो जाएगी? 3 लाख रुपए की। बोलो यार। फर्स्ट अप्रैल 2020 यानी कि 1 अप्रैल 2020 वन ऑफ द मशीन, अंडरलाइन कर लीजिए, 1 अप्रैल 2020 यानी कि 31 मार्च 2019, 2 साल बाद। कब बच्चों? 2 साल बाद एक मशीन बेकार हो गई। कितने वाली मशीन बेकार हो गई? जो 60,000 में ली थी। हाँ या ना यार? क्योंकि एक मशीन तो कितने की थी? 60 की थी, तो उस पर दो साल का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। ये डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, 6,000 और 6,000। हाँ या ना? तो 60 में से 6,000 और 6,000 घटाओगे तो 48,000 की बच गई या नहीं बच गई? बोलो। अब क्वेश्चन कहता है, 1 अप्रैल 2020 को वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8,000, 8,000 के लॉस पे बेची, यानी कि 40,000 में बेची। कितने बेची? 40। अभी तक क्वेश्चन सेल वैल्यू बता देता था, इधर देख लीजिए मेरी तरफ, अभी तक क्वेश्चन क्या बता देता था? सेल वैल्यू। लेकिन अब क्वेश्चन सेल वैल्यू नहीं बता रहा, अब क्वेश्चन क्या बता रहा है? कह रहा है मैं मशीन इतने के लॉस पे बेच दिए। इधर देख लो, मैं कह रहा हूँ इतने की चीज इतने के लॉस पे बेची है, तो सीधी सी बात है यार, सेल वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी। बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो बुक वैल्यू में प्रॉफिट को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो क्या मिल जाएगी? सेल वैल्यू। लॉस पे बेच रहे हो तो बुक वैल्यू में क्या कर दो? लॉस माइनस। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, आप सिंपली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। एक अप्रैल 2020 को मशीन जो आप बेच रहे हो उसकी बैलेंस बीडी पड़ी होगी, उसमें से 6,000 माइनस कर देना। उसके बाद अगले साल 1 जुलाई 2021 को सेकेंड हैंड मशीन दी बात सोल्ड। लो जी, सेकेंड मशीन की कौन सी मशीन बेच दी? दूसरी। वो कैसे बेच दी? एट अ लॉस ऑफ 12,500। न्यू मशीन वाज परचेज ऑन 1 लाख फॉर 1 अक्टूबर। प्रिपेयर मशीन दी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स एज्यूमिंग दैट अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईयर एवरी ईयर एंड डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। कर लोगे या नहीं? कर लेंगे। नहीं कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा इसमें। हां, ओरिजिनल कॉस्ट वही जो स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाएगा। हां, इसमें बस बेट इधर देख लो बच्चों मित्रों, इसमें बस एक बात खास ही है, सेल वैल्यू नहीं गिवन है आपको। सेल वैल्यू के बजाय क्या बता रहा है? मशीनरी इतने के लॉस पे जा रही है या इतने के प्रॉफिट पे। और सेल वैल्यू कैसे निकालोगे आप? इधर देख ले, डेट ऑफ सेल पे दो चीज चाहिए होती है, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू। तो डेट ऑफ सेल पर जो आपकी बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू में से लॉस क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता दिया, तो बुक वैल्यू में से लॉस माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? सेल वैल्यू। घर से ट्राई करना, अगर इन केस आप कुछ से नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली करा दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा आप लोगों से। 11 आपने करवाई दिया था। 11 मैंने बच्चों आपको ऑलरेडी करवाई दिया है, 12 मुझे कराना है आप लोगों को। ये पार्ट वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ध्यान रखना, ये मेरा एक एग्जांपल रह गया था जो मैं खुद का बना रहा था। इसमें पार्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट पार्ट ऐसे नहीं बता रहा कि 1/3 पार्ट बिक रहा है, 1/4 पार्ट बिक रहा है। वो कह रहा है इतने की वैल्यू का पार्ट बिक रहा है। क्या बिक रहा है? इतने की वैल्यू का पार्ट, यानी कि बिक रहा है पार्टी, बिक रहा है पार्टी, बट पार्ट को कैसे बिका जा रहा है बताओ? वैल्यूज में बता रहा है। तो इस तरीके एक क्वेश्चन और करा दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें एक हायर परचेज वाला पॉइंट आएगा, बस फिर हमारी ये बात भी खत्म हो जाएगी। ऑन 1 जुलाई 2017 एक कंपनी लिमिटेड परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹20,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मशीन हमने कितने की खरीदी है बच्चों बताओ? 20,000, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, फोटो भी बना लेता हूँ मैं साथ के साथ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इसमें भी कुछ खास बात नहीं है, छोटी सी बात है वो बता दूंगा बस। तो 1 जुलाई 2017 को हम लोगों ने एक मशीन परचेज करी है 20,000 की, M1 परचेज करी गई है, दैट इज ₹20,000 की, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड स्पेंड 3,000 ऑन रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग। देखिए यार, सेकेंड हैंड मशीन लेके आते हो तो उस पर कुछ ना कुछ पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है, तो आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हो ऑन द डेट ऑफ परचेज दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। बोलो हाँ या ना? ध्यान देंगे, इधर सही बच्चे, इधर देखो बेटे, इधर देखो,
इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं ऑन 1 जनवरी 18 ओके द फॉर्म परचेज न्यू मशीन वर्थ ₹12,000। एक बार ना नीचे पढ़ लो किताबें कब क्लोज हो रहे हैं। शो द मशीन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो मेरे भाई जो किताबें 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं, तो पहला साल 31 मार्च 18, दूसरा 31 मार्च 19, तीसरा 31 मार्च 20। बोलो यार। अब 1 जुलाई 17 को हुआ था, ठीक है, तो अब 1 जनवरी 18, तो 1 जनवरी 18 यहीं पर आएगा, 31 मार्च से पहले जनवरी आ जाएगी। बोलो भाई। क्या खरीद लिया? M2 खरीद लिया एंड हाँ द फॉर्म परचेज न्यू मशीन भी ₹12,000 की है। ओके सर। उसके बाद 30 जून 2018, अरे क्या है, हो गया ऑन 30 जून 2019 यहाँ पर आएगा। बोलो भाई। Yes, 30 जून 2019 को M3 परचेज करिए। अब ध्यान से समझेंगे, द मशीनरी परचेज ऑन नहीं परचेज नहीं करी और कुछ करा है। द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 18 ये वाली जो मशीन M2 है इसको क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया। M2 को क्या कर दिया है, सोल्ड। पढ़ो किताब में, पढ़ो अपने आप देखो, 30 जून 2019 को जो मशीनरी हमने परचेज करी है कब, 1 जनवरी 2018। इसमें से देख ले भाई, जब नहीं दिख रहा है तुझे, वाज सोल्ड। कितने में सोल्ड कर दिए, 8,000 रुपये। नहीं आ रहा समझ क्वेश्चन? अरे बोलो। एंड ऑन 1 जुलाई 19 यहाँ पर देखेंगे अब सारे बच्चे। बस ये सब तो तुम्हें आता है यार, इसमें सब में कुछ भी नहीं था, बस खाली इस वाले पॉइंट के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। ये सब तुम्हें आता है, पहले आता है या नहीं आता, मशीन भी परचेज करना, बेचना, प्रॉफिट लॉस निकालना, ये सब नहीं आता क्या? फिर नई चीज़ देखते हैं क्या मिल रही है। कहता है 1 जुलाई 2019 को फ्रेश प्लांट वाज इंस्टॉल्ड, एक नया प्लांट इंस्टॉल कराया। प्लांट इंस्टॉल कराने का मतलब नई मशीनरी लगाई है। और पेमेंट फॉर दिस प्लांट वाज टू बी एज फॉलोज, पेमेंट इस तरीके से करी गई है। अब देखो प्लांट ले लिया, लेकिन हम किस्तों में लिया हमने, प्लांट किस में लिया मेरे दोस्तों, किस्तों में। तो कोई नहीं, आप उसको M3 बोल दो, प्लांट है या कोई नहीं, M3 है वो एक तरीके से हमारे लिए। मुझे एक बात बताओ, अब हमने उसकी पेमेंट कैसे मारी है? 1 जुलाई 19 को ही मार दिए, बोलो यार, पहले दिन ही पेमेंट कर दिए 5,000। इसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 30 जून 2020 को कितने की पेमेंट करी है बताओ फटाफट, 6,000 रुपये की। नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, अरे बोल लो। यस सर। अब कहता है यार 30 जून 2021, इसका मतलब क्या चल रहा है सर? ये एक एक साल भाई, इसका मतलब चल रहा है हम किस्तों पे ले रहे हैं चीज़ें। किस पे ले रहे हैं हमने, किस्तों पे। तो जब हम सामान किस्तों पे लेते हैं तो इस वाले सिस्टम को बोलते हैं हम हायर परचेज सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको, हायर परचेज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप चीज़ें किस्तों पे लोगे तो बताओ मशीन महंगी पड़ेगी या सस्ती पड़ेगी? जल्दी बताओ। महंगी पड़ेगी ना, क्यों पड़ेगी महंगी? इंटरेस्ट लगेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, जो बंदा लोन दे रहा है पागल थोड़ी है। अब बैंक को तो, वेंडर को तो मशीन के पैसे मिल जाते हैं, ये जो किस्त विस्त का चक्कर आता है बीच में, थर्ड पार्टी हो जाती है, बैंक आ जाता है, फाइनेंस करता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस कराना। तो एक तरीके थर्ड मशीन हमने फाइनेंस कराई है और बैंक ने मशीन वालों को पैसे दे दिए वेंडर को। अब बैंक ने हमारी किस्तें बनाई है, किस्तें किसने बनाई है, बैंक ने। आपका ये पूरा चैप्टर आएगा हायर परचेज सिस्टम, कहाँ पर आएगा ये चैप्टर हायर परचेज सिस्टम, बीकॉम में फर्स्ट ईयर में, या फिर सीए के इंटरमीडिएट लेवल पे, कहाँ आएगा, सीए के इंटरमीडिएट। आई बात समझ या नहीं आई? बोलो। तो जब आओगे तब वहाँ सिखाएंगे, बट यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को भी पता है यार, ये देखो ये तो सेम डेट हो गई पेमेंट, इसमें तो कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है। 1 जुलाई को लिया ये, तो इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको तो डाउन पेमेंट बोल रहे हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाली वैल्यू में और कौन सी वैल्यू में, नीचे वाली वैल्यू में, आपको नहीं लगता कि इंटरेस्ट होगा? बोलो हाँ या ना। क्यों होगा इंटरेस्ट? क्योंकि टाइम गैप है, क्योंकि टाइम दे दिया ना बच्चों। अब आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। पेमेंट इन 2020 एंड 2021 इंक्लूड इंटरेस्ट 1,000 और 500। इसमें 1,000 रुपये इंटरेस्ट के शामिल है, इसमें 500 के इंटरेस्ट हटा दो भैया। हमें जब हम एसेट अकाउंट बनाते हैं, प्लीज़, तो हम एसेट अकाउंट बनाते हैं तो हमें देखना है एसेट मेरे लिए कितने की पड़ रही है।
ओरिजिनल पोस्ट है, हमें इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बंदा कैश में खरीदने जाए मशीन, तो मशीन की रियल वर्थ कितनी है? ये तो हमारी वजह से आया है ना इंटरेस्ट, तो बोलो यार। अब कोई गाड़ी मान लो, मैंने गाड़ी जब ली थी 2015 में ली थी, 2015 में अगर मेरे पास कैश होता तो मैं 5 लाख में मिल जाती, 4.5-5 जितने की भी होगी। बट भाई हम मिडिल क्लास कहाँ पैसे होते हैं कि कैश मिले, हमने किस्तों में ली, तो गाड़ी पड़ गई 6.5 लाख की। अब मुझे एक बात बताओ, रियल में गाड़ी की वर्थ कितनी है? 5 लाख या 6.5 लाख? 5 लाख यार, वो मार्केट में जब मैं बेचने जाऊँगा तो बंदा तो मुझे 5 लाख के हिसाब से तो वैल्यू लगाएगा। ऐसा थोड़ी है कि मेरी गाड़ी की वैल्यू 6.5 लगा देगा, क्यों? ये तो हमारे हाथ में है कि हम कितनी लंबी किस्त बना रहे हैं। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना आप, सॉरी। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट बनानी है वो इंटरेस्ट हटाकर बनानी है। तो ये 5000, इसमें से 6 में से 1 घट जाएगा, तो 5 5 जमा 5, और तीसरे में भी 5, बोलो हाँ या ना। इंटरेस्ट को हटा दो, इंटरेस्ट को हटा दो, तो मशीन कितने की पड़ेगी? 15000, बस बात ख़त्म हो जाएगी। द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st March, ये तो हमने देख लिया। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम लग रही है, मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन बस। और बस यहाँ पर ध्यान रखना, 1 जुलाई 2019 को जब आप मशीनरी ख़रीद रहे हो, तो इस बार आप मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक मत करना, क्योंकि अगर आपने टू बैंक कर दी ना तो मेरे दोस्तों गलत हो जाएगा। और आप मानोगे नहीं, जब मैं 11th में पढ़ रहा था तो हमें ये सिखाया गया था, ये एंट्री सिखाई गई थी, मशीनरी डेबिट टू बैंक। अरे सर जी, मशीनरी डेबिट टू बैंक कहाँ से हो जाएगा? आप खुद सोचो, मशीनरी डेबिट टू बैंक तो हो ही नहीं सकता। अगर टू बैंक हो गया तो इसका मतलब क्या जा रहा है? सारे पैसे तो दे ही दिए हमने, इसका मतलब तो क्या है? सारे पैसे दे ही दिए हमने तो ये क्या ड्रामा पंती चल रही है? आई बात समझ में नहीं। छोटे बच्चे थे, 11th में जो करा दो वही चल जाता, फिर बाद में जाके पता चला ये तो हमें गलत कराया था। ये टू बैंक नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे? हायर वेंडर के नाम से लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे हम? हायर वेंडर। तो मशीन, हो सकता है आपके स्कूल में आज भी बच्चे गलत कर रहे हों, ठीक है बच्चों, मशीनरी डेबिट टू हायर वेंडर। हमने मशीनरी खरीदी तो हमने कहा भाई तेरे को पैसे दे रहे हैं, तेरे को हायर वेंडर के नाम से बुक कर रहे हैं। और कितने रुपए बुक करेंगे? खाली 15000 रुपये। कितने रुपए? 15000। हम कहते हैं आज की डेट में हायर वेंडर, हमें तेरे को कितने पैसे देने हैं? 15000। समझ में आई बात या नहीं? फिर साल के एंड में इंटरेस्ट ड्यू होता है, फिर इंटरेस्ट की पेमेंट होती है। इंटरेस्ट के साथ किसकी पेमेंट होती है वो एक अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है अब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, टू बैंक की जगह बस हायर वेंडर लगाना और 15000 की पूरी मार्केट। हाँ, 15000, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो लगेगी वो 15000 पे लगेगी। किस पे लगेगी? 15000। और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मुझे लगता है आप लोग कर लोगे इसको। कर लोगे? कर लेंगे। फोटो ही इम्पोर्टेंट था। कोई मशीन, हाँ बेकना बुकना ऊपर हो ही गया है, लिखा ना मैंने कहीं बेक रहे, ये M2 सोल्ड। किसे कोई डाउट बच्चों? तो मेरे दोस्तों SLM मेथड के मैंने सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको एक एक करके पूरी डिस्कस करा दी हैं, खाली प्रोविज़न मेथड बचा हुआ है और एक क्वेश्चन नंबर 12, ये हम डिस्कस बाद में करेंगे।